नमस्कार दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम काउंटर्स के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो जो काउंटर है इससे जस्ट पहले हमने फ्लॉप्स इन डिटेल कंप्लीट किए हैं तो काउंटर्स को समझने के लिए आपको ये पता करना होगा कि काउंटर किससे मिल बनता है तो काउंटर्स के लिए जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है दोस्तों वो हमारा फ्लॉप होता है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फ्लिपलॉप्स इकट्ठे होके काउंटर बनाते हैं तो अगर आपको फ्लिपलॉप अच्छे से समझ आता है तो फिर आप काउंटर्स को बहुत ईजीली समझ सकते हो दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों कि हमारा जो काउंटर है वो भी डेफिनेटली एक सिक्वेंशियल सर्किट है सीक्वेंशियल सर्किट्स वही होता है जिसके लिए क्लॉक पल्स कंपलसरी हो तो क्लॉक पल्स के साथ ही हमारे काउंटर्स काम करते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है यूज़ टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स यानी जो काउंटर है एज ए नेम इंडिकेट्स उसका काम है दोस्तों कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स हैं उसको काउंट करने का नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों हमारा जो काउंटर है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी कह सकते हैं यानी किसी भी इनपुट फ्रीक्वेंसीज को हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं इसीलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसीज डिवाइड हो सकती है तो उसी फ्रीक्वेंसीज को हम मेजर भी कर सकते हैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काउंटर्स के बेसिक्स का वो है दोस्तों आपका इट इज़ यूज इन डिस्प्ले डिवाइसीज दोस्तों डिस्प्ले डिवाइसिस मान लीजिए आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन है वहां पर काउंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या किसी भी आपके नेशनल हाईवेज पे जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें आपके ग्रीन और रेड कलर के सिग्नल्स विद टाइमिंग्स आपको दिखते हैं तो वहां पे भी आपका काउंटर यूज होता है तो दोस्तों ये हैं आपके काउंटर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये आपका एक काउंटर है अगर ये काउंटर है तो यकीन इस काउंटर के अंदर कुछ कुछ आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे ये इसका इनपुट है और काउंटर से बाहर हमें कुछ आउटपुट मिलता है मान लेते हैं कि ये जो काउंटर है इसमें हमारे एन नंबर ऑफ़ फ्लिप फिफलॉप्स हैं तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लिपलॉप्स हैं उससे मिलकर आपका काउंटर बना है तो उस काउंटर की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी दोस्तों इसका फार्मूला होता है टू रेज टू पावर नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स तो यहां एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो टू रेज टू पावर एन जो होगा वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई काउंटर है उस काउंटर में आपके जो फ्लिप फ्लॉप हैं मान लीजिए थ्री हैं तीन फ्लॉप्स हैं तो जो आपके टोटल स्टेट्स होंगे वो आपके टू रेज टू पावर थ्री दैट इज एट होंगे यानी वहां पे जो आपकी काउंटिंग सीक्वेंस होगी वो जीरो से लेके सेवन तक होगी जीरो से सेवन तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे टोटल एट नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी इसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज की ये आपका काउंटर है मान लीजिए बॉक्स जो है वो काउंटर को रिप्रेजेंट करता है और ये आपकी कोई इनपुट फ्रीक्वेंसी है जो काउंटर के इनपुट पे अप्लाई करते हैं काउंटर के आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है मान लीजिए इस काउंटर में आपके एन नंबर ऑफ टोटल फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो अगर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेट्स होंगे वो होंगे दोस्तों टू रेज टू पावर एन अभी हमने एक्सप्लेन किया है इसके बाद अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ इन है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इस काउंटर के बाहर तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोस्तों हमेशा होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन दी काउंटर तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होगा एफ इन डिवाइडेड बाई टू रेज टू पावर एन तो इसी तरीके से यहां से आप देख सकते हो कि किसी भी काउंटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो यहाँ से ये पॉइंट भी हमारा जस्टिफाई हो चुका है कि इट इज़ यूज एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे मान लीजिए थ्री फ्लॉप्स हैं किसी भी काउंटर में तो उनसे हमारे पास जो स्टेट्स बनेंगी दोस्तों वो स्टेट्स होंगी हमारी टू रेज टू पावर थ्री दैट इज एट अगर मान लीजिए हमारी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो वन किलो हट्स है तो दोस्तों आपसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है वो होगी आपकी वन किलो हट्स दैट इज वन थाउजेंड हर्ट्स डिवाइडेड बाई एट तो ये आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा अब दोस्तों इसी के साथ एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मान लीजिए ये आपका फर्स्ट काउंटर है और ये आपका सेकेंड काउंटर है दोनों काउंटर्स को अगर आप कैस्केड में कनेक्ट करते हो कैस्केड का मतलब होता है कि एक काउंटर का आउटपुट अगर दूसरे काउंटर का इनपुट बन जाए तो दोनों काउंटर्स का जो कनेक्शन है वो कैस्केड कहलाता है तो जो फर्स्ट काउंटर है उसे उसमें मोड एम काउंटर है जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं दोस्तों उसको हम मोड से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट काउंटर में टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो आपकी एम है एम कोई भी आपका इंटीजर नंबर हो सकता है फ्रैक्शनल नंबर कभी नहीं होगा दूसरा जो काउंटर है दोस्तों वो है आपका मोड एन काउंटर इसका मतलब ये है कि दूसरे काउंटर में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी एन है अगर दोस्तों दोनों काउंटर्स आपके कैस्केड में कनेक्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो जो टोटल स्टेट्स बनेंगी वो होंगी दोस्तों एम इन टू एन ये आपकी टोटल स्टेट्स हैं तो इस केस में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी मान लीजिए एफ इन है तो दोस्तों जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी एम इन टू एन हो चुकी हैं दिस इज एम इंटू एन तो दोस्तों ये था कुछ हमारा बेसिक्स ऑफ काउंटर जो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो काउंटर्स में ट्रिगनिंग हम देते हैं जो क्लोपल्स देते हैं वो कितने टाइप से हो सकती है उसके बारे में बिल्कुल बेसिक्स से लेके डिस्कस करेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो